योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे कर रही है, पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, हत्याएं, आए दिन हो रहे बलात्कार जैसी घटनाएं इस पर सवाल उठा रही है। ऐसा ही एक कारनामा यूपी के सीतापुर थाना कमलापुर में देखने को मिला, जहां गोलू पत्नी सोबरन की शादी 4 साल पहले हुई थी, जहां दहेज को लेकर उसका शराबी पति जेठ, जेठानी, सास ससुर सभी आए दिन उसे मारते पीटते थे। बीते दिनों सोबरन ने सारी हदें पार कर दी। अपने घर वालों के साथ मिलकर गोलू के बाल ही नहीं काटे, बल्कि बहुत बुरी तरह से उसे मारा। उसकी चूड़ी तोड़ दी, कपड़े भी फाड़ डाले, माथे का सिंदूर भी मिटा दिया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब सोबरन ने अपनी पत्नी की बिछिया निकालनी चाही, वह निकलने पर उसे उल्टे बाके से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। और तो और सभी मिलकर उसकी नाक काट लेना चाहते थे, तभी उसके पिता पहुंच गए, जिन्हें देखकर सभी फरार हो गए। गोलू के पिता ने इसकी FIR थाने में दर्ज कराई है, मगर कहने को पुलिस सोबरन को पकड़ कर लाई, मगर एक घंटे के बाद छोड़ दिया और आरोपी पीड़ित को जान से मारने की ऐलानिया धमकी दे रहे हैं। शायद पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। मेरी शादी हुई थी, 4 साल से दहेज मांगते मांगते हमको रोज मारते थे, धमकाते थे। एक दिन शादी में गए थे, शादी के बाद मेरा भाई भी साथ में आया था, और जब मारा पीटा और नाक काटने की धमकी भी दी और गले पर बैठ गए। जय जेठानियों ने बेइज्जत कर दिया, ब्लाउज फाड़ दिया मेरे जेठों ने, और बाल काट के छत्ते पर बैठ के गाँव भरे में बेइज्जत किया, घुमाया, और जितना जेवर धन पहने थे बाके से बेल्ट से मार के बिछिया छिया झुमकी उमकी सब कुछ नोच लिया, बेइज्जत करके गांव भरे में घुमाया। और बोले जब कोई आएगा तो जाओगे तो नहीं, मार डालेंगे, जहीं कहीं जाओगे तो मार डालेंगे, उठवा लेंगे, कहीं भी चली जाओगे चाहे जहाँ उठवा लेंगे, जब भी आएगा तुम्हारे घर तो उसको सबको मार डालेंगे। और बाका मार दिया सर, यहाँ पर पीठ पर बेल्ट से मारा, सब लोगों ने बहुत बुरी दशा की मेरी, कह नहीं सकते इस तरीके से हमको मारा, इसकी 3 दिन हमें होते ही नहीं। इंसाफ के लिए हम हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं कि हमें इंसाफ दे दे, जैसे हमको मारा पीटा वैसे ही उनको खींच के लाया जाए, मारा पीटा ने जैसे मेरे साथ सलूक किया वैसे ही हम चाहते हैं। इसकी शिकायत हमने कही थी थाने में। हाँ, कम से धो पहले तो मैं सिधौली गई, वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई, फिर हम कमलापुर गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, एक दिन पकड़ के लाए, दो झापड़ मारा, फिर छोड़ दिया। और अब जी सीतापुर से हमने एप्लीकेशन तो कहीं दे चुके हैं, अब देखो कह रहे हैं कि कार्रवाई हम करेंगे। सर, इनके ससुर ने एक बार इनसे बोला कि गंदी गंदी गाली देता है और कहता है तुम्हारे जैसे 50 हम अपने पर से उतार के फेंक दिए। एक दिन हमारे पास आई, रोते रोते बोलने लगी कि दीदी पापा हमारे ऐसे ऐसे ससुर हमारे बोलते हैं। तो हमने कहा तुम किसी से कहती नहीं हो, तो कहती हम किसी से क्या कहें, जिससे कहते हैं तो मेरा पति दूसरे के पढ़ाई में मुझे ही मानने लगता है। तो सर, हमने एक बार दिल्ली से फ़ोन करके इनके पापा से बोला कि पापा आप ऐसा क्यों बोलते हो, अगर आपकी लड़की होती तो क्या आपकी लड़की को कोई बोलता तो आपको दुख नहीं होता। कहता है तुम लोग बहुत बोलती हो, तुम लोगों को बोलना मतलब वो लगता है, और तुम लोगों के जैसे ही हम 50 उतार के फेंक दें। सर, मेरे पति को गुस्सा आ गया, उन्होंने फ़ोन कटवा दिया, कहा बताओ ये कैसा ससुर है जो जिससे देखो उससे बोलता रहता है कि तुम्हारे जैसे 50 उतार के फेंक दिया। और सर, वो लोग ये भी कहते हैं कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर पाओ। अच्छा, ये बाल वगैरह इनके इसी वजह से काटे क्या? जी सर, बाल वगैरह इसी की वजह से, जब ये हमारी पीटी जाती थी तो मतलब अपने जठानियाँ लोग बालों पे ही जलती थी, बालों पे इनकी जठानियाँ काफ़ी दिनों से बालों पे जलती थी, इससे पूछा करती थी आए दिन तुम अपने बालों में क्या लगाती हो, अपने चेहरे पर क्या लगाती हो। और इनकी जठानियाँ के छोटे छोटे सर बाल हैं, तो ये तो भगवान की देन है, दूसरे की चीज़ों पर क्यों तुम लोग जलते हो। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम सर मीनू है, हमारी माता श्री 7 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, हमने अपने भाई और बहनों के अपने बच्चों के बराबर माना है और सह पाल के बड़ा कर दिया। सर, हमने शादी की अपने भाई बहनों की, और जब अभी हमने अपने भाई की और बहन की तुरंत 2 बार शादी की है, इसीलिए अभी 4 महीने पहले अपने भाई की शादी की, फिर उसके बाद अपनी बहन की अभी 25 तारीख को तस्वीर है। तो इनसे कहीं बोला होगा कि तुम्हारी दीदी के पास बहुत पैसा है, उससे बोलो जाके कि हमें पैसा दे या फिर हमें गाड़ी दिलाए, तो इन्होंने बोला होगा कि दीदी के पास अब पैसा नहीं रहा, अभी नहीं दे सकती हैं, इसी के चक्कर में इन्हें ज़्यादा मारपीट दिलाई गई। अच्छा, दहेज की वजह से मारा पीटा? दहेज की वजह से। और अच्छा, इनका पति सर
जो घर में रहता था एक दो दिन रुकता था, जो छोटे मोटे बर्तन थे वो उठा उठा के ले जाता था सर यहाँ से। सर हम आप लोगों से निवेदन है कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। जैसे इसके जेठ जेठानी ने इसको मार पीट के बेइज्जत किया है, ऐसे उन लोगों की सलूक किया जाए। अगर ऐसा सर नहीं होता है तो हम लोग अपने आप को ख़त्म कर देते कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मर जाना ही ठीक है। और अगर ऐसा होगा सर तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी। हमें सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमें हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। क्या जिसके माँ बाप नहीं होते उसके जीने का कोई हक नहीं होता है? क्या हम लोग मतलब शादी करते हैं तो क्या सब दहेज ही होता है? बहू बेटी किसी की कुछ नहीं होती है। लड़की को भी मारा है और भाई को भी मारा है, जिसको देखो उसको गाली देता है। परसों वाले दिन इसका अच्छा इसकी शिकायत हमने थाने में की तो थाने वाले ने क्या किया, क्या कार्रवाई की? सर थाने वालों ने कार्रवाई क्या की है, उसको पकड़ के लाए, दो घंटे रोका, उसके दो चार थप्पड़ उप्पड़ मारे, फिर उसके बाद छोड़ दिया उसको। सर हम लोगों को तो पता नहीं है कौन सी धारा पे उसे पकड़ा जाता है, कौन सी धारा पे उसे बंद किया जाता है। लेकिन हमारी बहन की हालत देख के उन लोगों को तो ये सोचना चाहिए था कि उसके संग क्या सलूक करना चाहिए। ना ही सर उन लोगों को पकड़ा गया है, ना ही बंद किया गया है, ना ही अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई। अब हमने सीतापुर में अप्लीकेशन लगाई है सर। सर अब यहाँ पे सर लोगों ने बोला है कि हाँ हम लोग उसको पकड़ के लाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। सुरैचा ग्राम में सोबरन है, जिनकी बीवी ने उनके खिलाफ थाने में 1 तारीख को एक FIR दर्ज कराई है कि दहेज के लिए वो उनसे मारपीट किए और सामाजिक रूप से उनका उत्पीड़न किया, जिस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की विवेचना की जा रही है। जल्द से जल्द 5 व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने FIR कराई है, गिरफ्तारी की जाएगी। तीरे तारीर में उन्होंने लिख के ये दिया है कि मेरे बाल कुछ काटे हैं और मुझको सामाजिक रूप से बेइज्जत किया गया है। इस दहेज के लोभियों ने और बात की हद तब हो गई जब ये उसकी बिछुआ जो पाँव में बिछुआ पहनी जाती है वो बिछिया निकालने के लिए जब नहीं निकल रही थी तो उसके शराबी पति ने क्या किया, बांके से उल्टे बांके से मार मार कर उसकी उंगलियां काट दी, तब बिछुआ निकली, बिछुआ निकाल के फेंक दिया और गले सीने पे बैठ के और उसकी नाक काटने जा रहा था। पता नहीं कैसे उस लड़की का पिता आ गया, तब जा करके उसको बचा लिया। अब बताइए ऐसे में बेटियां कहां सुरक्षित हैं, महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? योगी सरकार शायद इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये तो आगे चलने वाला आगे आने वाला समय बताएगा कि योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है उस शराबी और दहेज लोभियों के साथ। कैमरा मैन अरुण सिंह के साथ मैं रमेश सिंह। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।